For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. सलमान खान कितने भी बिजी रहे फिर भी वो कभी अपने दोस्तों को निग्लेक्ट नहीं करते। ऐसे में जब साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के स्टार वेंकटेश दग्गुबत्ती ने उन्हें अपनी बेटी आश्रिता की शादी के लिए किया इनवाइट, तो सलमान खान ने तुरंत हामी भर दी और सीधे जयपुर के लिए रवाना हुए। शादी में न सिर्फ उन्होंने नए जोड़े को विश किया बल्कि अपनी दमदार पर्सनैलिटी से सभी को एंटरटेन भी किया। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे सलमान वेंकटेश के साथ अपनी ही फिल्म के गाने जुम्मे की रात है पर डांस कर रहे हैं। माय माय, इन दोनों की एनर्जी देखकर तो यकीन ही नहीं होता कि ये दोनों ही इतने बिजी स्टार्स हैं। तो सलमान और वेंकटेश की इस डांस क्लिप के बारे में आपका क्या कहना है हमें जरूर बताएं। उसके बारे में क्या कहना है? Do you think it will affect your movie or the audiences will be diverted? उसके हीरो का नाम क्या है? ज़ाहिर इकबाल। और लड़की का? नूपुरा नूतन। तो किन की ग्रैंड डॉटर हैं वो? नूतन की। वेरी गुड, मैं तुम्हारी आईक्यू चेक कर रहा था। मैंने उनको बेस्ट विशेज भेजी हैं ट्विटर पे। मेरे दोस्त ने उनका गाना डायरेक्ट किया जिसमें सलमान खान ने नोटबुक में गाना गाया है, जो बहुत सुंदर गाना है। आई विश देम ऑल द लक, क्योंकि हम सब लोग, इनफैक्ट यंगस्टर्स जो डेब्यू कर रहे हैं, आई थिंक ही इज अ वेरी टैलेंटेड गाय। आई विश देम ऑल द लक एंड आई विश दे डू रियली रियली वेल। ओके सर, आपके करियर में आपने बहुत सारे अलग अलग किरदार निभाए हैं और वेरियस वेरियस कैरेक्टर निभाए हैं। आजकल बायोपिक का भी बहुत जमाना है, सो आर यू इंटरेस्टेड टू डू एनी पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स बायोपिक इन फ्यूचर? हाँ, मन तो है बट इस समय जहन में नहीं है कि किसकी बायोपिक पे काम करना चाहूँगा। बट ऑफकोर्स अगर कोई लेजेंडरी एथलीट है या कोई लेजेंडरी पॉलिटिशियन है, वाई नॉट। ऐसा कोई दिमाग में जिसका आप पोर्ट्रेट करना हो, ऐसे कभी जहन में आया? अभी मैंने आपको बताया कि अभी तक जहन में नहीं आया है। अपनी रंगीली पर्सनालिटी के चलते कपूर खानदान के लाडले रणबीर कपूर के लव अफेयर्स काफी मशहूर हैं। लेकिन इंडस्ट्री में दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ जैसी अभिनेत्रियों को डेट करने के बाद भी उनका कोई भी अफेयर सक्सेसफुल नहीं रहा। इन दिनों रणबीर आलिया भट्ट को कर रहे हैं डेट और दोनों की केमिस्ट्री की चर्चा भी खूब चल रही है। लेकिन ये क्या, हाल ही में हुए एक अवार्ड्स फंक्शन के दौरान जब रणबीर की एक्स गर्लफ्रेंड कटरीना कैफ उनके सामने आई, तो रणबीर ने अपने बिंदास अंदाज में अपनी लेडी लव आलिया भट्ट के सामने ही कैट को गले लगा लिया। मगर नाराज होने की बजाय आलिया इन दोनों को देखकर मुस्कुराई और कुछ देर बाद आलिया ने भी कैट को गले लगा लिया। अब ये पापराजी के लिए था या फिर आलिया को सच में कटरीना और रणबीर के मिलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें जरूर बताएं। हेलो गाइस एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा। दोस्तों, फाइनली मैं लेकर आ गई हूँ वो न्यूज जिसके लिए आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे। अब वो क्या न्यूज है? वेल, ये न्यूज है कि फाइनली भारत का ट्रेलर कब आउट होने वाला है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल मूवीज अड्डा को। चलिए मैं बता देती हूँ कि भारत, जिसमें कि आप कटरीना कैफ, सलमान खान, तबू, सुनील ग्रोवर, ऐसे तमाम सितारों को एक साथ देखने वाले हैं, वहीं ये फिल्म रिलीज कब होने वाली है? वेल, फिल्म तो 5 जून को आने वाली है, इसी साल ईद पर, भाईजान ईद लेकर आ रहे हैं, लेकिन ट्रेलर आने वाला है 24 अप्रैल को। जी हाँ, यानी कि अब बहुत ही कम दिन रह गए हैं इस फिल्म के ट्रेलर को आउट होने में। और दोस्तों, एक और खास बात यह है कि अवेंजर्स एंड गेम, जी हाँ, अवेंजर्स एंड गेम के साथ इस फिल्म के ट्रेलर को फिर से एक और बार रिलीज किया जाएगा 26 अप्रैल को। अब दो बार जब ट्रेलर आउट होगा और अलग अलग तरीके से इसकी पब्लिसिटी की जाएगी, तो फैंस कितना एक्साइटेड होंगे ये वाकई देखने काबिल होगा। और सलमान खान के 5 लुक्स के टीजर को देखने के बाद एक्साइटमेंट 4 गुना ज्यादा बढ़ गई है। ओ शिट, नॉट 4 गुना, 5 गुना ज्यादा बढ़ गई है। सो दोस्तों, आप कितना एक्साइटेड है इस डेट को लेकर? फिर से डेट बता देती हूँ, भूलना मत, 24 अप्रैल 2019। जी हाँ, यानी कि बस कुछ ही दिनों में फाइनली ट्रेलर आउट होने वाला है। सो ये वीडियो कैसा लगा और साथ ही साथ और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए भारत के बारे में, कॉमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताओ। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त ज्योति नाहा साइनिंग ऑफ।
कुछ दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म इंशाल्लाह में सलमान खान के साथ आलिया भट्ट को कास्ट किया जाएगा। अब इससे पहले इन दोनों ने कभी एक साथ काम नहीं किया था, तो फैंस इस नई जोड़ी को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो रहे हैं। मगर इसके लिए हम सबको इंतजार करना होगा, क्योंकि फिलहाल सलमान अपनी फिल्म भारत को लेकर और आलिया अपनी फिल्म कलंक को लेकर काफी बिजी हैं। जहां आलिया की मल्टी स्टारर कलंक अप्रैल में रिलीज होगी, वहीं सलमान की पीरियड फिल्म भारत जून में। मगर फिर भी दोनों समय निकालकर अपने अगले वेंचर को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे में एक वीडियो इंटरव्यू के दौरान जब सलमान खान से इस फिल्म के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, संजय लीला भंसाली हैज अ वेरी गुड टेस्ट व्हेन इट कम्स टू रोमांस एंड ड्रामा, एंड सो आपको इस फिल्म में रोमांस और ड्रामा का मिक्स दिखने वाला है। वेल, अब आलिया और सलमान जैसे टैलेंटेड स्टार्स के साथ जब संजय लीला भंसाली की अमेजिंग फिल्म मेकिंग स्किल्स जुड़ जाएंगी, तो रिजल्ट यकीनन कमाल का होगा, है ना? बॉलीवुड में इन दिनों बायोपिक्स का दौर चल रहा है और दीपिका पादुकोण भी इस जॉनर से परे नहीं है। जी हाँ, काफी समय से हम दीप्पी की अगली फिल्म के बारे में सुन रहे हैं, जहाँ वो एसिड विक्टिम लक्ष्मी अग्रवाल की लाइफ से इंस्पायर्ड कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं फिल्म छपाक की, जहाँ दीपिका पादुकोण एसिड अटैक सर्वाइवर मालती का रोल अदा कर रही हैं। मेघना गुलजार के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म के साथ ही दीपिका पादुकोण पहली बार फिल्म प्रोडक्शन में कदम रख रही हैं। आज ही मेकर्स ने इस फिल्म से दीपिका का फर्स्ट लुक किया है अनवेल, और इस पिक को देखकर तो हमारे रोंगटे ही खड़े हो गए। दीपिका चेहरा एसिड विक्टिम जैसा है और उन्हें पहचानना काफी मुश्किल है। अब ये देखकर तो ऐसा लग रहा है कि दीप्पी ने इस बार अपनी एक्टिंग को और भी सराहा है। जब इस फिल्म का फर्स्ट लुक ही इतना इंटेंस और हार्ड हिटिंग है, तो आखिर पूरी फिल्म कैसी होगी? वेल, अब दीपिका के इस फर्स्ट लुक को देखने के बाद हमें तो फिल्म छपाक के रिलीज का बेसब्री से इंतजार रहेगा, है ना? करण जौहर इन दिनों पीरियड फिल्म्स में काफी इंटरेस्टेड हैं, और अब वो अपने तीसरे वेंचर तख्त को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। जी हाँ, जब से केजो ने अपनी मेगा बजट मल्टी स्टारर पीरियड फिल्म तख्त अनाउंस की थी, सभी इसके अनयूजुअल स्टार कास्ट और अनोखी कहानी को लेकर काफी एक्साइटेड थे। ये फिल्म मुगल साम्राज्य के बादशाह औरंगजेब और उनके भाई दारा शुको की कहानी है। संजू और उरी जैसी फिल्मों से अपनी एक्टिंग का प्रदर्शन करने के बाद विक्की कौशल इस फिल्म में औरंगजेब के रूप में नजर आएंगे और पावर पैक्ड सिम्बा स्टार रणवीर सिंह बनेंगे उनके भाई दारा शुको। इस फिल्म में दोनों स्टार्स के अलावा अनिल कपूर, करीना कपूर खान, भूमि पेडनेकर और आलिया भट्ट भी आएंगे नजर, और अब करण जौहर इस फिल्म को शूट करने के लिए इतने एक्साइटेड हैं कि उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड्स 2019 में अपनी तख्त टीम के कुछ मेंबर्स के साथ ग्रुप भी क्लिक करके अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा, टीम तख्त। साथ ही रणवीर सिंह के साथ एक और पिक शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, दिस मैड वन दैट आई लव कांट वेट टू स्टार्ट तख्त। अब करण जौहर की एक्साइटमेंट को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि फिल्म तख्त काफी थ्रिलिंग होने वाली है ना? सलमान खान और प्रियंका चोपड़ा ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन जब प्रियंका चोपड़ा ने एन वक्त पर सलमान खान की फिल्म भारत से किनारा कर दिया, तब से इन दोनों के बीच के रिश्ते कुछ खास नहीं है। ऐसे में अपने अगले प्रोडक्शन वेंचर नोटबुक को प्रमोट करते हुए उन्होंने पीसी का मजाक उड़ाया। ये क्यों? वेल, एक रिपोर्टर ने जब उनसे पूछा कि प्रियंका चोपड़ा के डेटिंग ऐप लॉन्च करने के बारे में उनकी क्या राय है, तो सलमान ने पीसी को टॉन्ट करते हुए पूछा कि प्रियंका को ये करने की क्या जरूरत है, हाल ही में तो की और निक जोनस की शादी हुई है। अब सलमान के स्टॉन्ट को क्या पीसी कर देंगी इग्नोर, या फिर देंगी बॉलीवुड के सुल्तान को करारा जवाब, ये देखना अभी बाकी है। फिलहाल बस इतना ही, मगर बॉलीवुड की ऐसी कई खट्टी मीठी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और अपने कमेंट्स नीचे दिए सेक्शन में शेयर करते रहिए।
सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले बन रही फिल्म नोटबुक से बॉलीवुड में दो नए सितारे कदम रखेंगे। जी हाँ, इस फिल्म से सलमान खान ने प्रनूतन बहल और जहीर इकबाल को डेब्यू करने का मौका दिया है और अब ये फिल्म इसी महीने रिलीज होने वाली है, तो पूरी टीम के साथ साथ सलमान खान भी इस फिल्म को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे में एक इंटरव्यू के दौरान जब सलमान खान से पूछा गया कि अगर कटरीना कैफ टीचर होती तो वो क्या सिखाती, तब सलमान ने तुरंत कहा, हाउ टू मेक टी, कॉफी, बिरयानी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग, शी कैन टीच एनीथिंग। जी हाँ, कैट की टीचिंग के बारे में रिस्पॉन्ड करते हुए सलमान ने इतनी लंबी लिस्ट शेयर की और सलमान के रिस्पॉन्स से ये साफ पता चलता है कि वो कैट को कितना टैलेंटेड मानते हैं। तो सलमान की इस राय के बारे में आपका क्या कहना है, हमें ज़रूर बताएं।